थ्रे थे माई नेम इज़ मोहम्मद लाल बिल आज की वीडियो बड़ी हार्ट फेल्ट है काफ़ी इमोशनल है एंड इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ टिल डेट इट्स अ स्टोरी जिसको जब भी मैं सोचता हूँ जब भी मुझे याद आती है तो मुझे इमेज ग्रेटिट्यूड महसूस होता है मुझे इमेज ह्यूमिलिटी महसूस होती है और मुझे इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है आज की वीडियो है ईबाद पे। अब अब इबाद कोई खातून का नाम नहीं है इबाद ऐसे फेथ बिलीफ खैर बाल लबी हो रही मेरा एक दोस्त है उसका नाम है इब्राहिम बड़ा शौकीन मजाज आदमी है बड़ा शौकीन मजाज आदमी है मशीला बड़ा, बड़ा अच्छा बच्चा है अल्लाह तक हिदायत दे अल्लाह ते तो खैर में ज़्यादा फरमाया उसको एक आदत है उसको एक शौक है बल्कि वो शौक़ ही है उसको तो एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक़ है वो क्या करेगा वो ऑल जाएगा वो किसी सर्बिया ठीक है किसी हवाई टेजिया कोलंबिया पता नहीं कौन कौन से छोटे मोटे जो ना खत्ते और रियाते उनके जो ना लोगों से बातें करेगा क्यों उसको शौक है कि मैं एक्सप्लोर करूं मैं समझूं कि अच्छा आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, करते क्यों करते हैं क्यों नहीं करते कैसे करते हैं कैसे नहीं करते कौन सा मज़हब कौन सा दीन ठीक है ना कौन सा कल्चर किस कितने डेवलपमेंट कितनी डेवलपमेंट नहीं है कौन सी जबान कौन सी जबान नहीं बोलते एंड सो फॉर एंड सो सो एंड सो फॉर तो इसी 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 जो है ना अपने एक्सप्लोरेशन में वो भाई को एक मिल गई खातून खातून बज, लड़की वो भाई का टाकरा हो गया एक लड़की के साथ दैट साउंड्स रॉक बट सुनो उसको टाकरा हो गया एक पीरू शहर मुल्क जो है उसकी उसकी एक बंदी के साथ री र्याएश, के साथ उसकी सिटीजन के साथ ठीक है वो लड़की सेवनटीन जर्स ओल्ड थी ये भाई कोई अट्ठारह उन्नीस साल का था खैर जो भी है अब सीन ये इब्राहिम भाई का ये है कि वो सारा कुछ पूछता रहता है बताता रहता है इससे क्या होता है उसकी जो है ना वर्ल्ड व्यू बढ़ता है ग्लोबल ग्लोबल्ट बढ़ता है ठीक है ना उसकी विजन उसकी सारा तरीके उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है साथ ही साथ वो जो है ना तो उस वही मतलब उसको एंटरटेनमेंट मिलती है उसको मज़ा भी आता है उसको जो है लोगों से बातचीत भी हो होती है और साथ ही साथ जो है वो हल्की हल्की से दावत भी करता रहता है हल्की हल्की सी लाइट लाइट सी दावत कि अच्छा मैं तो इस्लाम को फॉलो करता हूँ अच्छा मेरा तो हमारे नबी तो नबी सलो है द मैन सल पीरियड द ग्रेट क्रिएशन एवर टू बी बॉर्न पीरियड ऐसी बातें करते हैं मोहब्बत डाले की लोगों के लोग क्यूरियस हो होकर अच्छा है क्या इस्लाम समझाएं हमें ये यही अपने जो भी वो फ़न कह लो शौक कह लो मिजाज कह लो शुगर कह लो इसी शुगर में ना उसका टाकरा हो गया एक खातू उस कलाब में उस कलाब तो था कैरन सवार शी वॉज फ्रॉम बी डू हर एज वॉज सेवेंटीन अब बातचीत होती रही उनकी शी वॉज कटिंग उसकी क्यूरोसिटी होती थी वो बढ़ी जा रही थी बढ़ी जा रही थी और पूछी जा रही थी और भाई बताई जा रहे थे फिर बनाई वॉज काफ कि उसको उसने कहा कि देखिए कागज है आप लागू डाल देता हूँ बीच में तो उसने कहा बिलहाल एक खातून है शीर सीरियस क्वेश्चन जब और इस्लाम लाइक टू श्योर मैं मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ ठीक है ना तो हमने फिर ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम भी रखा था कि कैन अंडरस्टैंडिंग इस्लाम हमने ग्रुप का नाम बनाया और शी आस्किंग सीरियस क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ना थोड़े से ईमान के लेवल के थे वो ये नहीं थे कियशा की उम्र क्यों नाइनटी ईयर्स ओल्ड है और ये ऐसे स्लेवरी क्यों है और क्या है और वॉर की क्राइम्स और इस तरह तो के सवाल आप नहीं थे देवर सब सीरियस क्वेश्चन जिससे लग रहा था कि लड़की जो है सीरियस है क्योरियस है क्यूरियस है खैर तो बातचीत आगे बढ़ी उसने सवाल कर दिया मुझसे उसको सबसे बड़ा मसला था मोडेस्टिका मोडेस्टिका क्या है हया का क्या कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ बुरका मैं पहन लूँगी क्या मेरे जिंदगी बंद हो जाएगी मैं क्या जीना छोड़ दूँ मैं सांस लेना बंद कर दूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ उसको थोड़ी सी ना मिसकनसप्शन थी कि बड़े बार शायद मेरे को गले में पट्टा बढ़ जाएगा एक दफा मैं जब बोल कर लूँगी क्या होगा क्या नहीं होगा एंड स्टफ ऑफ दैट सॉट तो अल्लाह तारा तो ने हिदायत लिखी हुई थी वसीला मेरा बंदा अल्लाह का शुक्र है मैंने जवाब दे दिए जिस तरह की मेरी है जवाब मुनासिब से बिल्कुल लेकिन अल्लाह का शुक्र किया उसको उसका उसके दिल में ईमान की ताकत जागी हुई थी तो उसने वो करना शुक्र दिया उसने कहा यस माशा दैट्स वेरी कूल और ये तो वो एक और भी था मैं ताप भूल गया मसला ये भी था कि उसको जो है ना इंग्लिश नहीं आती थी उसको समझाने के लिए ना लिखते थे लफा इंग्लिश में लिखते थे उसको ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट से उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करके स्पाइसी इंडस्ट थी आई थिंक इंडस्ट में से कोई जबान थी उसमें कन्वर्ट करके उसको भेजते थे फिर उसका रिप्लाई जाता था, था उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे उसका पढ़ के फिर उसको उसका जवाब लिख के उसको भेजते थे ट्रांसलेट करके वहाँ पे ठीक है स्ट्रगल बट इट वॉज फन खैर मैंने चीज़ नोटिस की फजर के बाद का वक्त था इट डर इवन ठीक है ना मतलब घंटा वाले सब ये बताया बताइए कि भाई फजर के वक्त के भाई बिल अवेलेबल हो बो क्या खैरियत है कहता ये ऐसे ऐसे बंदी है दीन में इंटरेस्टेड है ठीक है ना लेट्स टेक इट्स लो उसको ना ऐसे ऐसे शायद पढ़ा देते हैं देतेबा पढ़ा देते हैं, हैं मैं शोर तो जब मैंने बात की तो मैं तो देखा वो लड़की तो माशा दीन की बात की भरी हुई थी उसको बस दो तीन सवाल से क्लियर कर देते हैं अपने फ़िक के फिक के कोई ये सवाल नहीं थे कि भाई अशे की उम्र क्यों थी और स्लेवरी और बार और एक और जो टिपिकल सवाल है हमारे चार पाँच बच्चों को आते हैं ना इस तरह कोई सवाल नहीं था सवाल क्या थे क्यूरियस फिक के सवाल कि अच्छा हया क्या है पर्दा क्या है मोडिस्टिक क्या है क्या नहीं है कैसे है कैसे नहीं है खुदा क्या है खुदा ने क्यों सफरिंग क्यों है दुनिया में सफरिंग क्यों नहीं है आखिरत क्या है क्या नहीं है इस इंटलेक्चुअल सवाल मैंने मैं बड़ा इंप्रेस हुआ मैंने देखा मैंने देखा, मैं देखा ये बिल साहब आपस की बात है ये बैट जो है ना ली जा सकती है ठीक है डिले करना क्या फ़ायदा वैसे भी अगर मैं डिले करूँ क्या होता है बस आ जाए शाह या फिर मौत आ जाए बोला तो जा रही है ना ये मारो ठीक है, तो इसको है। पे भी ना और आप इसको कलमा पढ़ा दो तो मैंने मौका चार पाँच सवाल थे सवाल पूरे किए मैं थे तो उसने लिखा देखी लाम्हा <coughs> अब उसके अभी थे फिर दो तीन सवाल उसके और पूछे सारा कुछ घंटे में हुआ सिर्फ सिर्फ घंटे में सवाल पूछे उनके ना किस सस्ते से जवाब दे दिया मैंने का शुक्र ने कल कर दिया इज़्ज़त चाली मेरी भी और उसको एक माल का तोहफा भी नसीब हो गया अलहमदल तो हाँ तो फिर मैंने ये चीज़ रज़ की कि भाई अब जो है ना लेकर की जरूरत नहीं उसको फ़ौरन से शहादत पढ़ा दो कलबा पढ़ा दो ये कल्बे की वीडियो नहीं

बारहसो लहु अब ये कहानी का एंडी था ये मासला कहानी यही थी कि तो मैंने कुछ आद पढ़ा दिया मैंने बड़ा कमाल कर दिया या इब्राहिम ने बड़ा कोई कमाल कर दिया अल्लाह करे अल्लाह माफ़ करे ये नहीं था कहानी का मुद्दा बल्कि कहानी तो शुरू या से हुई है कहानी का आगाज ये है कहानी का असल मुद्दा ये है जो अब आने लग है अब हमने जब सो कल्बा पढ़ाया तो मैं बड़ा खुश मैं यहाँ तुझे मुझे पता भी नहीं था दो घंटे पहले इस खातून का मुझे पता भी नहीं कि कोई पेरू धाब का मुल्क भी खैर इतना पता था लेकिन इन्हें पता था पेरू धाव के मुल्क में कोई लड़की रहती भी इस इसम की दो घंटे बाद हमने सो कल्बा भी पढ़ा दी तो तो वसीला बनाया या अल्लाह तेरा करम है अब तो मैं सोच रहा कि सो कैसे जो है ना इसको कुरान दिया जाए इस डच लैंग्वेज में कैसे ढूंढी जाए वीडियोज़ नमाज की डच लैंग्वेज में सो कैसे समझाया जाए कि भारत क्या होती है और नमाज कैसे पढ़ते हैं नमाज़ में क्या पढ़ना है इसको अरैबिक कैसे समझाई जाए मैं इसमें ज़रा वो हो गया ज़रा मायल के मैं जरा इसमें मसरूफ़ हो गया कि उसके लिए कैसे दिन जो है उसको दीन के अहकाम उस पर समझाए जाए, जाए। उस पर वो किए जाए उसके लिए ना आसान और उसको ताकि वो जो है प्रैक्टिस भी करे वो एवंचुअली तो मैं से मग़ल हो गया तीन चार दिन गुज़र के शायद हफ्ता गुजर गया हफ्ता गुजरा तो इब्राहिम इतना ही आया उसका कि हमारे पीरू में फ्लड आ गया आया है। हमारे जो सात वाले हैं, वो गए गए हैं, वो वाइप ऑफ हो फ्लड से। हम लोग अपने घर के बेसमेंट में हमारी दवा ठंडी हो गई है हमें नहीं पता कितनी देर हम और सरवाइव कर सकते हैं इस मैसेज के बाद ना इब्राहिम ने ना मैंने हमने बहुत सर हमारे तो पास कॉन्टेक्ट तो खैर थे नहीं व्हाट्सएप वट्सऐप नहीं था इंस्टाग्राम था लेकिन हमने इंस्टाग्राम के थ्रू बार बार महसूस किए और इंस्टाग्राम पर उसकी एक्टिविटी आफ्टर डेट ठीक है ना कोई एक्टिविटी नहीं थी अब वल्लाम वो जिंदा है जिंदा नहीं है अल्लाह के पास है अल्लाह के पास नहीं है ठीक है उसका मकसद भी नहीं हमारा हमारा मकसद क्या है कि क्या खूबसूरत का आदि है कि कैसे जब कोई किसी की इनियत साफ होती है और किसी के लिए बात मुकद्दर में होता है तो कोई दो चलो दो मेरी एक लड़का लाहौर का थ्रू इंस्टाग्राम एक पीरू की बद्दी से बात करता है उसे इस्लाम का बताता है उसे कल्बा अलग तल वसीले तला के वसीले से अलतला, अलतला उसके वसीले से उस बद्दी को कलबा पढ़ाता है और वो लड़की मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते बाद अल्लाह को प्यारी हो जाती है हम लोग को फेथ बिलीफ मजहब दीन ठीक है ना ये वरासत में तो हमने तो कदर दी इसकी हमें तो मजहब दीन फेथ ईमान वरासत में ठीक है अल्लाह का करम था ने ना ना दिया बिलाल अली हैदर हसन हाशिम ठीक है मुस्तफ़ा हैदर अहमद कुछ भी और चल रहे हैं बस दाद के आस चल रहे हैं ठीक है कलबा और दी थी उसके असर चल रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर कोई खास कनेक्शन भी नहीं है बस ताल्लुक है दीन से ठीक है ना आई होप वो भी है अगर तो कुछ एक कलबे से ताल्लुक है लेकिन ख़ास कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ठीक है ना ना उसकी कोई इम्पोटेंस है ख़ास हमारी लाइफ में मुझे सैड बट इट इज बट इट इज़ ठीक है और ये जब आप बात सोचो ना कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है या कोई ये बात समझ आपको तब आती है जब आप देखते हो किसी नॉन मुस्लिम को नॉन बिलीवर को हु इज़ एक्चुअली डूइंग द एफर्ट हु इज़ एक्चुअली हुक्चुअली द हार्ड यार्ड ठीक है ना इन फाइडिंग द ट्रूथ और फाइटिंग पीस ठीक है ना लेकिन उसको ढूंढना पड़ रहा है उसको अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ना पड़ रहा है अपने आप अपने अपने आप को कॉन्शियसली इस तरफ कोई जो भी आपको उसको आराम लग रही है उस तरफ माइल करना पड़ रहा है आपको शुक्र तब होता है जब आप देखते हो किसी ऐसे को जो कि जो जिस जो तोहफा आपके पास मुफ्त में आया हुआ है उसी तोहफे को पाने के लिए अपने हार्ड ईयर डाल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं अपने पुराने बिलीफ को तोड़ रहे हैं और कॉन्शियसली रैशनली ठीक है ना रस्ता ढूँढ रहे हैं हिदायत ढूँढ रहे हैं और एक जगह पे आप खैर और बड़ी ब्रेवरी चाहिए होती है बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है बड़ी करेज चाहिए होती है अपने पुराने बिलीफ को अपने सबका बिलीफ को तोड़ के उनको साइड में फेंक के किसी नए उसके लिए रूप बनाना पहली बात उसे इंस्पायर होना उससे मुहब्बत करना अपनी ईगो को साइड पे करके कॉन्शियसली ठीक है ना एक नए बिलीफ सिस्टम को अपनाना इट टेक्सम ऑफ करेज ठीक है ना इवन यहाँ तक लोग जिनको हक समझ आ गया हदायत मिल गई लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से कबूल नहीं कर पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते